भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को, बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुर्जर। संपर्क करें गुर्जर डेंटल क्लिनिक, पंथाना रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इमलीपुरा में कल रात को थाना प्रभारी मोगठ श्री पाठक को बुलाया गया। दरअसल क्षेत्रवासी चाहते थे कि पुलिस के साथ संवाद हो और जो स्थानीय मुद्दे हैं, कई ऐसे विषय हैं जिन पर प्रशासन के साथ जनता बात करना चाहती थी, स्पेशली पुलिस के साथ। मोगठ थाना प्रभारी श्री पाठक का स्वागत सभी क्षेत्रवासियों ने किया और पुलिस के साथ सहयोग करने की बात की। श्री पाठक ने भी आगामी त्यौहार को लेकर शांतिपूर्वक त्यौहार मनाए जाने को लेकर अपील की, साथ ही साथ पुलिस जनता से क्या चाहती है, सहयोग चाहती है और किसी भी तरह की कोई परिस्थिति हो उसमें पुलिस का सहयोग लिया जाए, खुद किसी भी तरह का रिएक्शन ना किया जाए और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्टें ना की जाए, त्यौहार बेहद शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए, इसको लेकर प्रयास किया गया। जो आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं वो सट्टे वाला आपसे लेके अपना घर बना रहा है, आपका नहीं। आप हर बार यहाँ लगा के लगाएंगे कि आपका पैसा निकलेगा और आप चार पैसे कमाएंगे, लेकिन आप जिंदगी भर नहीं कमा पाए, आप खत्म हो जाए। तो मेहरबानी करके ऐसी सोशल बीमारियों से, बुराइयों से थोड़ा सा दूर रहें। आपका लाभ, आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपको देखिए आपके बच्चे सीखेंगे। दूसरा, नवयुवकों से, नौजवानों से मेरी एक इंतजार है, हाथ जोड़ के इंतजार है कि आप दिन भर में कभी भी समय निकाल के अपने बुजुर्गों के पास एक 10 मिनट बैठिए, उनके कंधे पे हाथ रखिए, उनकी पीठ सहलाइए, उनसे पूछिए उन्हें कोई तकलीफ है क्या, उनसे पूछिए वो मस्जिद जाना चाहते हैं क्या, उनसे पूछिए उन्हें अस्पताल जाना है क्या, उनसे पूछिए वो कहाँ जाना चाहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ है क्या। आप थोड़ा थोड़ा प्यार उन्हें वापस दीजिए, क्योंकि वो प्यार जो आपको उन्होंने बचपन में दिया था उसको लौटाने का ये वक्त है। कुरान ये कहती है कि अपने बुजुर्गों का जो ख्याल नहीं रखता उसे इस्लाम कबूल नहीं करता। तो फिर ये 5 वक्त की नमाज, ये दिन भर का फाका, ये रात की तरावी क्या काम है? यदि आप अपने घर के बुजुर्गों के लिए वक्त ही नहीं दे सके, वही आप मोबाइल पे सनी लियोनी को रोज आधा घंटा टाइम दे दोगे, पर अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी वालदा को, अपनी दादी को, अपने दादा को एक 10 मिनट नहीं दे पाओ। बैठ के देखिए उनके चेहरे पे नूर आएगा, उनके चेहरे पे खुशी आएगी, और जब वो खुश होंगे तो वो आपको दुआएं देंगे और उन्हीं दुआओं से आपकी तरक्की होगी। जिस बच्चे के लिए उसके माता पिता, उसके बुजुर्ग दुआ करते हैं, उसको बुरी नजर नहीं लगा करती, उसके चारों तरफ एक शील्ड ढाल बन जाती है और वो ढाल उसे हर बुरी नजर से बचाती है, हर बुरी चीज से बचाती है। तो मेहरबानी करके अपने घर के बुजुर्गों को, अपने घर की महिलाओं को सम्मान देने की आदत डालिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। हर वो घर जहां स्त्री का अपमान होता है, जहां स्त्री के साथ दुर्व्यवहार होता है, उस घर में जन्नत नहीं आ सकती, क्योंकि जन्नत की परी तो दुखी है। जिस घर में औरत दुखी है उस घर में जन्नत नहीं आएगी, चाहे जितना पैसा कमा लो। पर यदि वही आप अपने घर की औरतों को, बहनों को, बेटियों को, पत्नी को, माँ को सम्मान देने लग जाओगे, उनका आदर करने लग जाओगे, उनका एहतराम करने लग जाओगे, आपके घर को जन्नत जैसा लुक आ जाएगा, खुद ब खुद खुशियां आ जाएगी, खूब सारी खुशियां मिलेगी। यदि आप अपने आप में मंथन करेंगे तो ये पाएंगे कि ऊपर वाले ने जैसी जमीन है वैसी स्त्री बनाई है। यहां एक बीज डाल दो तो कई बीज बन के निकलते हैं, वैसे स्त्री को थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार दो तो वह कई गुना करके आपको वापस लौटाती है। लेकिन आपको वो वापस मिलेगा तब जब आप देंगे, क्योंकि वो कई गुना तब करेगी जब आप उन्हें देंगे, उन्हें अता फरमाएंगे। पर आप लोगों ने तो मूछ है ना आपके पास, तो मैं क्यों? अरे थोड़ा थोड़ा बदलो, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहो, अपने घर की पत्नियों के प्रति समर्पित रहो। सुबह उठो, नहाओ धो, गले लगाओ और बोलो आई लव यू, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि वो प्यार जो उसको कभी नहीं मिला, यदि वो अचानक से मिलने लगेगा तो उसके चेहरे पे खुशी रहेगी। ज्यादातर लोग इस एक्सपेरिमेंट को सुबह करके देख लेना, सुबह उठ के उसको प्रेम से बोल के देख लेना,
और किसी को और एक्सपेरिमेंट करना है तो ये ले जाओ, इसके साथ आजमाना, सफल हो जाओ। छोड़ जाता हूँ किसी न किसी के लिए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं आपको ये समझा सकूं कि अपराध से कैसे बचो, मैं ये समझाने नहीं आया, मैं ये बताने आया कि आप अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बनाए। क्योंकि यदि मेरे क्षेत्र के लोग खुश रहेंगे तो वह अपराध नहीं करेंगे, और मेरा क्षेत्र अपराध मुक्त हो जाएगा, जो मेरी ख्वाहिश है। और यदि मैं कुछ इतनी ख्वाहिश करता हूं कि मैं ये प्रमाण दे सकूं जिले प्रमुख को कि मेरे क्षेत्र में अपराध नहीं होते, मेरे क्षेत्र की जनता शांत मुस्कुरा के एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहती है, सामने वाला चाहे कैसा भी कुछ भी कर ले, हम उसको उल्टा जवाब नहीं देंगे, कब तक बुरा करेगा। आप चाहो जिस दिन बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। जी हाँ, आप दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात, बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंथाना रोड, खंडवा।